मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स में फूट पड़ने के बाद जूटा पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस ले लिए। भोपाल में प्रदेश जूडा के पदाधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भेंट की और अपनी हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। जूडा ने पहले मांगों को पूरा करने के लिखित आदेश पर ही काम पर लौटने की बात कही थी, लेकिन कुछ देर बाद कहा कि सरकार ने सभी मामलों के लिए कमेटी बना दी है, इसलिए वे काम पर लौट रहे हैं। बाकी आदेश आज जारी हो जाएंगे। जूडा में हड़ताल को लेकर डॉक्टर्स दो खेमे में बंट गए हैं। सबसे पहले ग्वालियर और रीवा में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। इसके बाद जूडा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीना ने कहा, हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और जूडा पदाधिकारियों की बैठक में कमेटी बनाई गई है। ग्रामीण इलाकों में अनुबंध को लेकर कमेटी दो महीने में निर्णय लेगी, इसीलिए हम हड़ताल वापस ले रहे हैं। सभी काम पर लौट रहे हैं। जूडा काम पे आप वापस लौट जाएगा क्योंकि हड़ताल खत्म हो चुकी है। अभी लिखित में आदेश देने का सरकार ने बोल दिया। अभी माननीय मंत्री जी के आश्वासन, माननीय मंत्री जी ने इस चीज को बोलते हुए लिखित आदेश अभी आज शाम तक पारित करने का बोल दिया है। जूडा अभी वापस अपने काम पे लौट जाएगा, स्ट्राइक क्योंकि कॉल ऑफ हो चुकी है। ग्वालियर जूडा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का कहना है कि हमारी मांगों को मान लिया गया है, अब हाईकोर्ट के सम्मान और परेशान हो रहे मरीजों के लिए हम काम पर लौट रहे हैं। जूडा की हड़ताल वापसी की घोषणा से एक दिन पहले रविवार को 46 सीनियर रेजिडेंट्स ने भी काम पर लौटना शुरू कर दिया था। जूडा के समर्थन पर उतरने में इन 46 सीनियर रेजिडेंट को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया था। रविवार को जूडा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मुलाकात के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुई थी। जूडा ने 3 और मांगे जोड़ दी थी। जूडा से मंत्री ने कहा, हमने जूडा की मांगे पहले ही मान ली हैं। जूडा हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान कर हड़ताल वापस ले और जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।